नमस्कार दोस्तों, आज है हम नीरज जी के साथ बहादुरगढ़ आर्य नगर में। दोस्तों पीछे जो आप देख रहे हैं ये है एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम जो हमने लगाया था 6 महीने पहले। आज हम आए हैं नीरज जी के पास ये जानकारी लेने कि इन 6 महीनों के बाद ये सोलर लगाने के बाद इनको क्या बेनिफिट हुआ है और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार जी। नीरज जी आप इस जगह पे क्या क्या लोड चला रहे हैं? अभी मैं आरओ प्लांट चला रहा हूँ और कार वाशिंग का मैंने सेटअप लगाया हुआ है वो चला रहा हूँ। नीरज जी ये 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने से पहले आपका बिजली का बिल कितना आता था? मेरा लगभग 25-30 हज़ार रुपए के अबव आता था। अभी मेरा बिल जीरो आ रहा है। ठीक है। हाँ जी, अभी मैंने बल्कि गवर्नमेंट से 1000 रीडिंग मैंने एक्स्ट्रा रिकवर कर दी उनको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सोलर लगने के पहले आपका 25,000 रुपए के आसपास बिजली का बिल आता था? 30,000 रुपए आता था और अभी जीरो आ रहा है, अभी कोई बिल नहीं आया। तो जैसा नीरज जी ने बताया कि ये सोलर लगने से पहले इनका बिजली का बिल 25-30 हज़ार रुपए आता था जो अब जीरो हो गया है और इन्होंने एक्स्ट्रा 1000 यूनिट बिजली पावर हाउस में ही बना कर दे रखी है। नीरज जी ये सिस्टम लगाने में आपको समय कितना लगा? मेरे को 15-20 दिन लगे थे अबो। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया और आपसे मिले उससे ही बेटर, और आपका जो काम किया वो हमारे को बहुत पसंद आया। जैसा नीरज जी आप जानते हैं ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, ये लाइट जाने के बाद काम नहीं करता है जी। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? उस सिचुएशन में कुछ नहीं करता, अगर मान लो ज्यादा इमरजेंसी होती है तो हमारे पास जनरेटर लगा हुआ है तो हम उसको उससे अपना काम रुकते तो नहीं पर हम चलाते तो है। वैसे आपके एरिया में पावर कट कितना रहता है सर? वैसे तो रहता नहीं, बाई चांस कभी हो जाता तो आधा घंटा 1 घंटा मिनिमम, इससे ऊपर तो होता नहीं। दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम वहीं पे कारगर है जहां पर आपके पास पावर कट बिल्कुल मिनिमम हो, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम पावर कट होने के बाद बंद हो जाता है। जैसा नीरज जी ने अभी बताया कि इनके एरिया में मिनिमम पावर कट है और कभी अगर लाइट जाती है तो ये उसे जनरेटर की हेल्प से अपना कवर अप करते हैं। नीरज जी सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है? इसका मेंटेनेंस तो कुछ है नहीं, इसको हफ्ते में 2 बार साफ करना पड़ता है बस, बाकी इसमें जीरो मेंटेनेंस है, कोई इश्यूज नहीं है। दोस्तों एक ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई बैटरी नहीं लगी होती, इस सिस्टम में सिर्फ आपको पैनल को क्लीन करना पड़ता है। जैसा नीरज जी ने भी बताया ये हफ्ते में 1-2 बार पैनल को सिर्फ क्लीन करते हैं, इसके अलावा इनको कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। धन्यवाद नीरज जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर।